प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजय घाट पर आगमन। राजधानी दिल्ली में स्थित विजय घाट, शास्त्री जी का समाधि स्थल, शास्त्री जी का सरल व्यक्तित्व, सादगी भरा जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। विनम्र और दृढ़ निश्चयी आप ऊंचे आदर्शों में आस्था रखने वाले थे। 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में शास्त्री जी का जन्म हुआ। काशी विद्यापीठ से शिक्षा हासिल की। महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। स्वतंत्रता संग्राम में आपका अहम योगदान रहा और जून 1964 में आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिसने पूरे देश में ऊर्जा भर दी। लाल बहादुर शास्त्री जी की पावन स्मृति में कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। राष्ट्र आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और यह अवसर है बलिदान और बहादुरी की अमर गाथाओं से प्रेरित होने का। शास्त्री जी के परिवार के सदस्य, Nation fondly remembers the second Prime Minister of the country, Lal Bahadur Shastri ji, on his 118th birth anniversary, as Prime Minister Modi just paid tributes. अनाज के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने और हरित क्रांति लाने में शास्त्री जी का अहम योगदान रहा। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी शास्त्री जी को उनकी 118वीं जन्म जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सादगी, सत्यनिष्ठा, देशभक्ति, दृढ़ संकल्प के जीवन मूल्यों पर आधारित शास्त्री जी का जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। जय जवान जय किसान का ये नारा आज भी यहाँ विजय घाट समाधि स्थल पर गीत संगीत के माध्यम से
गूंजता हुआ। 2 अक्टूबर 2021 आज लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है। विजयघाट शास्त्री जी का समाधि स्थल, जहां पर अब माननीय उपराष्ट्रपति जी शास्त्री जी की पावन स्मृति में कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे।